नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। बात करते हैं कक्षा 4-5 हिंदी विषय के कार्यपत्रक नंबर 81 की। कैसी, मैं आपको सामने एक गद्यांश दिया गया है। एक पेड़ के नीचे एक चूहा रहता था, उसी पेड़ के ऊपर एक घोंसला था। यानी छोटी सी कहानी है। चूहा दिन भर रोटी की खोज में इधर उधर खूब दौड़ता था। एक सुबह वह खाती की दुकान पर रखी एक अलमारी में घुस गया। इस तरह से इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद इस कहानी में नीचे शब्द आया है, नीचे का विलंब शब्द ऊपर होता है। इसी तरह कहानी को पढ़कर नीचे दिए गए शब्दों के आपको विलंब शब्द लिखने हैं। पहला शब्द है इधर, इधर का हो जाएगा उधर। सुबह का हो जाएगा शाम, शाम का सुबह, अंदर का बाहर, उधर का इधर और बाहर का अंदर। इस तरह से विलोम शब्द लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछा गया है, मोहन मीठा दूध पीता है। वाक्य में दूध से पहले मीठा शब्द आया है जो दूध के बारे में बता रहा है। ऐसे ही शब्दों को भाषा में विशेषण कहते हैं। जो शब्दों को विशेषता बताए उनको विशेषण कहेंगे। तो ऐसे कुछ नए शब्द दिए गए हैं, उनके आपको पहले विशेषण शब्द जोड़कर लिखना है। जैसा कि यहाँ पे कुछ विशेषण शब्द दिए, जैसे कि आदमी के आगे भला आ जाएगा, भला आदमी, मोटी गांठ, घना पेड़, गहरा तालाब, चमकीला हीरा, कच्चा धागा। मेरे पास 1000 रुपये। वाक्य में आए विशेषण शब्द को छांट कर लिखने हैं। तो 1000 यहाँ पे विशेषण शब्द है। फिर चौथा प्रश्न दिया गया है, मीठा शब्द का विलोम होगा, मीठा का हो जाएगा विलोम शब्द कड़वा। इस तरह से इस कार्यपत्र को पूर्ण करना है। फिर कार्यपत्रक 82 में आपको पत्र पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पे पत्र दिया गया जौहरी बाजार जयपुर में लिखा गया है, आदरणीय माता जी को है लिखा गया है। तो इस तरह से फिर पत्र में नाना नानी सब ठीक है, आप कैसे हैं, इसके बारे में आपको लिखा गया है। पत्र में जो जानकारी लिखी उसको पढ़ना है। फिर इस पर आधारित आपके सामने पत्र लिखने वाला कौन है, तो नीचे नाम लिखा गया राहुल। उसने किसको पत्र लिखा, तो अपनी माता जी के लिए लिखा है। पत्र किस तारीख को लिखा है, ऊपर तारीख लिखी गई है। उसके मामा जी किस राज्य में रहते हैं, राजस्थान जयपुर में रहते हैं। अंतिम वाक्य में किसको प्रणाम कहा गया है, पिताजी को प्रणाम कहा अंतिम वाक्य में। तो इस तरह से प्रश्नों का पूर्ण करेंगे। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 83 में आपको यहाँ कुछ खेलों से जुड़े हुए चित्र दिए गए। आइए देखते हैं कि इनके बारे में आप कितना जानते हैं। तो सतुलिया का खेल दिया गया है। इस खेल के लिए ज़रूरी सामग्री क्या चाहिए, इसे खेलने का तरीका क्या है। 7 पत्थर के टुकड़े चाहिए जो एक के ऊपर एक जम सके, और 1 गेंद कपड़े की चाहिए इसके लिए सामग्री। इसको खेलने के लिए 2 टीम बनाकर एक टीम बॉल से सतुल्य गिराती है, दूसरी टीम उन्हें जमाने में रोकते हुए उनको किसी खिलाड़ी को बॉल मारकर आउट करने की कोशिश करते हैं। आउट होने पर दूसरी टीम की बारी आती है। इस तरह से ही रहेगा। फिर दूसरे खेल की बात करते हैं, रुमाल झपटा का खेल दिया गया है। रुमाल झपटे के अंदर एक रुमाल की जरूरत पड़ेगी खेलने का। इसमें 2 टीम बनाएंगे, खड़ी हो जाती है, क्रम से नंबर दिया जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5। फिर एक घेरा बनाकर उसमें एक रुमाल रखा जाता है। फिर रेफरी नंबर बोलता है, उसी नंबर से बच्चे दोनों टीम दौड़कर आते हैं, उन्हें रुमाल लेकर अपनी टीम के पास जाते हैं। लेकिन दूसरे व्यक्ति यदि उसको हाथ लगा देते हैं तो आउट माना जाता है। तो इस तरह से ये गेम खेला जाता है, और यदि हाथ नहीं लगाता है तो वो टीम जीत जाती है। तो ये आपको इस तरह से लिखना है। फिर बात करते हैं कार्यपत्रक 84 की। 84 में चित्र दिया गया, इन चित्रों को देखकर एक कहानी बनानी है। जैसे कि ये जाल लेके आया कबूतरों के लिए, बिछाई, कबूतर इसमें फंस गए, कबूतरों ने फिर एकता करके उड़ गए। इस तरह से आप जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर कबूतर बैठे, कबूतरों के राजा ने उनको कहा, फिर सारे कबूतर ने एकता करके उस जाल को लेकर उड़ गए। तो इससे संबंधित आपको यहाँ कहानी नीचे लिखनी है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, एक बार एक शिकारी जंगल में दाना डालकर बिछाकर घर चला गया, जाल बिछाकर कबूतरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। दूसरे दिन कबूतर दाना देख लालच में आ गए, जैसे ही दाना सूखने के लिए नीचे आए जाल में फंस गई, फिर वो परेशान हो गई। एक कौवा ये सब देख रहा था, उसने अपनी चोंच से जाल को काट दिया और कबूतरों को कहा, सभी मिलकर प्रयास करोगे तो इस जाल को लेकर तुम लोग आराम से उड़ सकते हो। उन्होंने ऐसा ही किया। शिकारी ने आकर देखा, कबूतर जाल को लेकर आकाश में उड़ गए, वो आश्चर्यचकित हो गया। तो इस तरह से आप कोई भी अपनी कहानी बना सकते हैं इस आधारित। फिर आता है कार्यपत्रक नंबर 85। 85 में आपको व्रतने की दृष्टि से सही शब्द है उनको सही लिखना है। जैसे कि यहाँ आपके सामने 4 शब्द दिए हैं, आमंत्रित, अमंत्रित, आमंत्रित, आमंत्रित। इसमें से शब्द सही होगा आमंत्रित, जो कि 3 नंबर वाला। इसी तरह आप परीक्षा के भी दिए गए हैं, तो परीक्षा 4 नंबर वाला यहाँ पर सही होगा, यहाँ लिखना है, इसको भी यहाँ लिखना है। फिर किवाड़ शब्द होगा, ये राइट होगा, इसको भी यहाँ लिखेंगे। फिर अगला नई शब्द लिखना है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 वाला सही होगा। दूसरे प्रश्न में आपको सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाना है कि सेठ लड़का नौकरी था करता का, तो सेठ का लड़का नौकरी करता था, राजा ने तुरंत छोड़ दिया, मंत्री राजा को भोजन देने जाता था, राजा ने मंत्री को आधा राज्य दे दिया। इस तरह से ये वाक्य सही क्रम में लगा कर लिखना है। उसके बाद आता है आंकड़ा नंबर 15। 15 में पहला प्रश्न दिया गया, पत्र लिखते समय सबसे पहले क्या लिखे, जहाँ पत्र लिखते हैं वहाँ का स्थान पता लिखा जाता है जहाँ से आप पत्र लिख रहे हैं। पत्र में बड़ों को समुद्र में लिखते हैं आदरणीय, आदरणीय। मेले में सुंदर सुंदर खिलौने मिलते हैं, सुंदर शब्द एक विशेषण शब्द है। मेरी कक्षा में तोसी, मोहिनी, रेहान साथ साथ बैठे वाक्य में रेखांकित शब्द है, ये सब संज्ञा शब्द दिए गए हैं, नाम है। 5वें में धारिका का स्कूल मेरे घर के पास है, नीता का पास का विलोम शब्द दूर हो जाएगा और आशा का निराशा हो जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। फिर 6ठा प्रश्न दिया गया, चित्र को देखना है और बताना है क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अनेक लोग खड़े हैं, बर्तन, प्लास्टिक और पीपे लेकर के, जो कि पानी भरने हेतु प्रयास कर रहे हैं। 7वां प्रश्न है, चित्र में लोग व्रतों की लाइन लगाकर क्यों खड़े, क्यों पानी भरने के लिए खड़े हैं।
पानी कहाँ कहाँ से मिलता है, नल है, कुआ है, तालाब है, नदी है, वर्षा आदि से पानी प्राप्त होता है। हम पानी कैसे बचा सकते हैं, वर्षा के जल को वाटर टैंक में एकत्रित करके या आवश्यकता के हिसाब से ही पानी का उपयोग करके हम इस पानी को बचा सकते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, 10वें में अशुद्ध शब्दों पर घेरा लगाना है और उनको नीचे शुद्ध लिखना है, जैसे कि ऋतु, ऋतु का ये हो जाएगा, फूल का ऊ की मात्रा बड़ी होगी, है पीले के पी की मात्रा बड़ी होगी, झूम इस तरह से लिखेंगे, ककड़ी सब्जी मौसम अच्छा, तो ये जो है गलत लिखे गए, इसके ऊपर गोल घेरा लगा करके नीचे शुद्ध शब्द लिख करके आकलन 15 तक कार्य कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।